मैं कैप्टन पुरुषोत्तम लाल बाब बिरमशाह सेवा समिति कमेटी के जो मेंबर हूँ। साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि पिछले एक महीने से, लगभग एक महीने से हमारी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी। जो बाबा बिरमशाह जी की स्थापना दिवस के ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसका प्रोग्राम जो है 13 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष से, जो कि आज सभी स्टेडियम से यहाँ पर श्रद्धालु आने शुरू हो गए थे, जो कि 13 तारीख को रामायण पाठ था, जो कि 14 तारीख को ख़त्म हो गया था, वो 14 तारीख को रामायण पाठ खत्म होकर के हवन हुआ था। उसके बाद अखंड पाठ शुरू हो गया था 14 तारीख को, जो कि 15 और 16 को उसका भोग पड़ा है। 9 से 12 तक शब्द कीर्तन हुए हैं। 2:30 बजे बाबा जी की जो 16 तारीख बाबा जी की झांकी निकली थी। 16 तारीख को रात को फुल नाइट जागरण था, और आज जो था 17 तारीख को भंडारा था, जो कि पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु आए हुए थे, जो कि पंजाब से, हरियाणा से, गंगानगर से, राजस्थान से, मैंडर, पुंछ, उड़ी से आए हुए थे। तो मैं अपनी कमेटी और अपने देशवासियों, मतलब अपनी कमेटी की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बाबा जी के स्थान पे आ करके उन्होंने बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और यहाँ पे जो कुछ कमियाँ आई हैं, जिस तरीके से यहाँ की जो संगत बढ़ रही है, उसके बीच में हमारे को जो छोटी मोटी कमियां आई हैं, जैसे एकोमोडेशन का कम होना, इस तरीके से जो त्रुटियां हैं, हम प्रशासन से ये पॉइंट उठाएंगे, क्योंकि हम प्रशासन के अंडर यहाँ काम कर रहे हैं। प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारी त्रुटियां हैं यहाँ पर, जो श्रद्धालुओं को यहाँ पर हम लोग फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं, जिसके कारण जैसे एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन के अंदर उनको लेडीज़ को अलग और जेंट्स को अलग लोग नहीं सुला सकते हैं, बाथरूम की कमी है, पानी की फैसिलिटी की कमी है, इसलिए बहुत सी चीज़ें, जैसे लाइट है यहाँ पर, लाइट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर सिंगल फेस लाइट होती है, जो कि यहाँ पे पूरी नहीं होती है। तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन छोटी छोटी त्रुटियों को पूरा करके जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, और हमारे साथ सहयोग से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए।